दूसरे से करते हैं प्यार हम एक दूसरे के लिए बेकरार हम एक दूसरे से करते हैं प्यार हम एक दूसरे के क्या हुआ बाबा क्या कर रहे हैं आप केस यहाँ पे हैं हमारी बातचीत तो हुई नहीं तो फिर वो हमसे बात क्यों नहीं करते बाबा वो नहीं करेंगे हमें उनसे बातचीत करनी है अच्छा हाँ ढाई किलो क्या बात है क्या बात है क्या बात है बताना जो उनसे करनी है बाबा इतने बड़े बड़े लोग आए कीजिए ना कुछ बातचीत कुछ बनाइए क्या बात है नमस्कार बच्चन साहब मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ केबीसी तो मैं रोज देखता हूँ और दीवार मैंने कम से कम नहीं तो 50 बार देखी है बाबा ये क्या कर रहे हैं आप वो वाले बच्चन साहब नहीं है ये अभिषेक बच्चन है माफ कीजिएगा मैं चश्मा लगाना भूल गया अरे वाह बात है अभिषेक बच्चन जी वाह वाह अरे वाह यामी जी भी आए हैं क्या बात है निमृत जी भी आए हैं क्या बात है मैं आप तीनों का बहुत बड़ा फैन हूँ मैं भी और क्या कमाल का ट्रेलर है इनका जोरदार तालियां हो जाएं इतना बढ़िया ट्रेलर अरे आप लोग तो इस ट्रेलर पे फिल्म भी बना सकते हैं पापा पापा बन चुकी है फिल्म तो फिर हमें सिर्फ ट्रेलर क्यों दिखाया इन्होंने ऐसे ही होता है पापा पहले ट्रेलर आता है बाद में फिल्म आती है अच्छा इसका मतलब मैं ट्रेलर हूँ और तू फिल्म है ना शर्म नहीं आती बाप के सामने ओ करता है नहीं बाबा आप समझ ये एक जेस्चर होता है मैं खाली कह रहा हूँ कि मैं आपकी बात समझ गया इसलिए मैंने किया ओ ओ ओ ओ बाबा बाबा तीन तीन बार नहीं एक ही बार करना होता है नहीं दो तीन पुरानी बातें मुझे अब समझ में आई हैं इसलिए ओ कर रहा हूँ मैं क्या बात है बच्चन साहब वैसे मैं आपको अंदर की बात बताऊं जी ये वाली फिल्म पहले मैं करने वाला था हाँ बस एक कॉल की वजह से नहीं कर पाया कॉल की वजह से कैसे पापा किसी का कॉल ही नहीं आया तो कहां से करूंगा तू बात को समझा के नहीं समझा समझ गया बाबा हाँ तो ओ बोलना ओ क्या तेरा बाप बोलेगा और ओ अब ओ ओ ही करता रहेगा क्या बेटा वो लोग आए हैं उनको फिल्म की बधाई दे बाप की फिल्म के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ मैं आपको उनको बधाई देनी है उनकी फिल्म छीननी नहीं है बोले जा रहा है ये बड़े बड़े लोग आए हैं प्यार से बोल okay, उनको सॉरी सॉरी आई एम रियली सॉरी आप लोगों को आपकी फिल्म के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं पापा अभिषेक जी हमारे बहुत काम आ सकते हैं आपको शायद पता नहीं लेकिन ये अपनी फिल्म में सीएम बने हैं सेंटीमीटर चीफ मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर साहब क्या बात है सर मैं आपसे निवेदन करता हूँ हमारा एक गांव है गांव कहाँ बाबा हम तो शहर में रहते हैं हमारे घर का नाम ही गांव है नहीं बाबा मेरा घर का नाम तो बिट्टू है क्या
तेरे घर का नाम बिट्टू है? हाँ। मेरे तो कोई घर का नाम है ही नहीं, तभी मैं सोचूं मुझे अपने ही घर में कोई बुलाता क्यों नहीं। मैं तो नाम के बिना रह गया। ए, ए, बाबा, बाबा इस तरह मायूस नहीं होते पापा, अभी आपका नामकरण कर देते हैं। बैठे बैठे क्या करें, करना है कुछ काम, आओ रखते हैं यहाँ पर मेरे पापा का नाम। म, म से नाम रखना है, म से क्या रखे हैं? मामा, आज से आपका नाम मामा। मामा? अबे ओ, मेरा नाम मामा कैसे हो सकता है? मत भूलिए पापा, आपका मामा से ही नाम है। वरना कोई खास नाम है नहीं आपका। अबे ओ, ज्यादा ची ची मत कर, समझा? जब देखो ची ची चू चू करता रहता है। सीएम साहब, हमारी और भी कई तकलीफें हैं जी। हमारे गांव में इतने सारे लोग हैं, सबकी नौकरी लगी हुई है। तो इसमें क्या प्रॉब्लम है पापा? अरे सब लोग सुबह नौकरी पे निकल जाते हैं ना, तो बातचीत करने के लिए कोई होता ही नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि कुछ कीजिए आप पापा। हाँ, इतनी सी बात पापा, मैं हूं ना। हाँ तो इसको नौकरी पे लगवा दीजिए, गांव में किसी आदमी को नौकरी छुड़वा दीजिए। मैं इससे बात नहीं करना चाहता हूँ। मैं नौकरी नहीं करना चाहता, लेकिन मुझे नौकरी करना अच्छा ही नहीं लगता। नहीं। अभी तो मेरी घूमने फिरने की उम्र है। और पापा, आपने मुझसे वादा किया था आप मुझे घुमाने ले जाएंगे, आप घुमाने ले जाइए। हाँ क्यों नहीं, मेरा बेटा हमेशा रोता रहता है आपको पता है, कहता है कि मुझे हिमाचल की खूबसूरती देखनी है, मुझे ले के चलो। बेटा ये देख यामी जी को, ये है हिमाचल की खूबसूरती। यामी जी, जी मैं आपकी जितनी तारीफ करूं उतनी कम है, मतलब मेरे पास तारीफ के लिए कोई शब्द ही नहीं है। अरे इतनी सी बात पापा, ये लीजिए मेरे पास शब्द हैं। ये लीजिए शब्द। वाह वाह, क्या काम किया था आपने। वो फिल्म आई थी उरी जी, वो मैंने पूरी देखी। हाल की फिल्म आपकी, उसमें जब विक्की पाकिस्तान चला गया था तो मुझे बहुत अच्छा लगा। बाबा पाकिस्तान तो मैं भी गया था। हाँ तो तूने वहां जाके किया क्या? उनका नलका उखाड़ लिया। नलका उखाड़ देता है, कहीं भी चला जाता है वहां गड्डी छोड़ देता है। इसको लोहा दो ना तो पिघला कर उसका आकार भी बदल देता है, ऐसी सारी हरकतें करता है ये। थैंक यू बाबा। अबे थैंक यू नहीं, मैं तुझे डांट रहा हूँ। बाबा आप मुझे डांट रहे हैं तो मैं डट क्यों नहीं रहा हूँ? क्योंकि तू एक नंबर का नालायक है। आजकल के बच्चे थोड़ा सा डांट दो तो बुरा मान जाते हैं। अभिषेक साहब मुझे आज भी याद है, जब मैं पहली बार मुंबई आया था तो मेरी पहली लाइन क्या थी? आप बस स्टैंड पे सोए थे? नहीं मैं तो घर पे सोया था। अरे पापा आप जब पहली बार मुंबई आए थे तब आप बस स्टैंड पे सोए थे। तो जब मैं बस स्टैंड पे सोया था तो तू मुझे उठा के घर पे क्यों नहीं लेके गया? पापा तब मैं था ही नहीं। जब तू था ही नहीं तो तुझे कैसे पता कि मैं बस स्टैंड पे सोया था? पापा आप नहीं मुझे बताया था कि जब मैं पहली बार मुंबई आया था मैं बस स्टैंड पे सोया था? तू कब बस स्टैंड पे सोया था? अरे मैं अपनी बात नहीं आपकी बात कर रहा हूँ। मेरी बात क्यों कर रहा है? मैं अपनी बात खुद करूंगा। बहुत अच्छी बात। जब देखो नाराज हो जाता है। मेरा बेटा बुड्ढी के बाल खाएगा? पापा ठीक है, आपको पता है निमृत जी, माय सन वेरी टैलेंटेड। थैंक यू बाबा। ये मोटरसाइकिल बहुत अच्छा बनता है। नहीं बाबा, मैं तो सिर्फ चलाता हूँ मोटरसाइकिल, मेरे पापा बनते हैं मोटरसाइकिल। नहीं नहीं, तू ज्यादा अच्छा करता है। आप बहुत अच्छा करते हैं पापा। अच्छा मतलब आइटम तुझे पेश करनी ही करनी है। करना ही पड़ेगा। ठीक है, हम आपको मोटरसाइकिल बन के दिखाते हैं। ठीक है? हाँ हंसना बंद कर पहले। ये दे दो बेटा। Oh my God. ये क्या कर रहे हैं आप पापा? बेटा आइटम अपनी जगह, इज्जत अपनी जगह। ओके
My Baba is becoming motorcycle. Okay? Oh, ready? Okay? Look at that. That was motorcycle. Beta, kahan aa gaye hum log? Ab hum pahunch gaye. Kapil Sharma Show mein aa gaye hum. Iske yahan aa gaye hum log? Namaskar, Bachchan sahab. Main aapka bahut bada fan hoon. KBC mein. Ye sari baatein ho chuki, Papa. Wo chashma washma sab kar diya maine? Sab kar diya humne, ho gaya. Achha, achha. Sab ho gaya. Chaliye. Bahut bahut shukriya. Aur bahut bahut shubhkamnaen aapko aapki film ke liye. Bahut bahut badhai ho. Mujhe to bahut khushi hui. चलिए आप यहाँ आए, बस आते रहिए आप लोग. हाँ पापा, वो आएंगे. फिल्म आपकी सुपर हिट होने वाली है. वो तो होगी पापा, मेरी दुआ है. पापा हो गया, चलिए आइए. एबी साहब जब आते हैं बहुत अच्छा. हाँ पापा, थैंक यू. बहुत अच्छा लगा, बड़ी खुशी हुई. बड़ी यामी जी, देखना आप. हाँ, ये फिल्म सुपर हिट होने वाली है. ये कमाल होगा, देखना. एक दूसरे से करते हैं प्यार हम. पापा हो गया, बस बस हो गया. सॉरी, वेरी वेरी सॉरी. सॉरी हो गया पापा, हो गया. मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूं. हो गया. अच्छा, कई बार ना क्या होता है, मेरे को किसी इंसान ने बोला था, कहते यार ज्यादा नॉलेज ग्रैब नहीं करनी चाहिए. कभी कभी ज्यादा नॉलेज होती है ना आदमी को, वो भी दुखी रहता है, क्योंकि पता है उसको कि नहीं ये तो ऐसा तो होता नहीं, ऐसे कर रहे हैं. जो कम नॉलेज वाला होता है उसको कोई लेना देना नहीं, कुछ रहता है. मैं अपने दर्शकों से जानना चाहता हूँ कि आपको क्या लगता है, ज्यादा पढ़ा लिखा इंसान ज्यादा खुश रहता है कि कम पढ़ा लिखा इंसान ज्यादा खुश रहता है? आप अपने अपने जो भी मत है आप यहाँ पे रख सकते हैं. जी कौन? जी नमस्कार मैम. हाय कपिल, हेलो एवरीवन. हेलो, मैं सारिका मुंबई बोरीवली से आई हूँ. सर मैं एक उड़ान ग्रुप रन करती हूँ, उड़ान द हैप्पी विमेंस क्लब. विमेंस तो हैप्पी होती है, आदमियों के लिए बनाओगे? बिल्कुल सर. तो हम सर उसी को वही काम करते हैं कि अगर लेडी खुश है, अगर वाइफ खुश है, तो घर वाले ऑटोमेटिकली खुश हो ही जाने. तो जैसे कि आपने अभी पूछा कि अगर पढ़े लिखे हैं तो सर मैं ऐसा सोचती हूँ कि वो ज़्यादा परेशानी में रहते हैं. मेरा खुद का ही एक वाकया मैं बताती हूँ. तो सर बात आ गई थी सर मसाला डोसा की. अच्छा, बैठे हुए सर सारे पढ़े लिखे थे, सब अपनी अपनी परेशानी में थे. मसाला डोसा आ गया. सर मेरे को कोई परेशानी नहीं थी क्योंकि मुझे तो वो हाथ से ही खाना था. और परेशानी सर वो सोफिस्टिकेटेड होते हैं पढ़े लिखे, बहुत ज्यादा फॉर्क और स्पून से सर उनकी वो कश्मकश. डोसा तो नॉर्मली हाथ से खाते हैं. हाँ सर, लेकिन पढ़े लिखे का सर उनका स्टेटस मेंटेन करना है ना उनको, कि मैं पढ़ा लिखा हूँ. फोक से तो मसाला पकड़ा नहीं जाता जो डोसे के अंदर होता है, पर आई थिंक वो स्वभाव की बात है. जैसे मैं साउथ इंडियन लोगों को देखता हूँ, वो चावल जो होते हैं राइस हाथ से खाते हैं, और बड़े पढ़े लिखे लोग होते हैं जैसे आप बोल रही हैं. इस हिसाब से तो स्कूल बंद करवा देंगे सारे. वो पढ़े लिखो वाली बात और सर बिना पढ़े से वो थोड़ा सा समझ. चलिए सारिका जी धन्यवाद. सर मैं एक थोड़ा सा, असर मेरे उड़ान ग्रुप की लेडीज आई हैं जो अभिषेक की बहुत हार्ड कोर फैन है. सर ये सब यहाँ कौन कौन आए हैं? वाह, खुद का ग्रुप बना लिया उड़ान, पत्तियों के पर काट देती है. आइए, बहुत बहुत स्वागत. अभिषेक से सर मेरी फ्रेंड एक बोलना चाहती है. जी जी बोलिए प्लीज. हेलो, आई एम शुभांगी फ्रॉम बोरिवली. अभिषेक आई लव यू सो 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 मच. और आपको यहाँ पे देख के आई कांट से एनीथिंग, यू आर सो सो चार्मिंग. वाओ ऐश्वर्या मैम. ऐश्वर्या जी आएंगे तो आप वैसे भी वहां चले जाओगे, इसीलिए मैं अभिषेक जी को. थैंक यू, दैट्स वेरी स्वीट ऑफ यू. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच. शुक्रिया, शुक्रिया जी. शुभांगी जी धन्यवाद. और कोई हमारे दोस्त जो अपने विचार? जी मैडम. हेलो एवरीवन, आई एम मानसी भुवानिया फ्रॉम मुंबई कांदिवली. Yami and Nimrit, you are looking very pretty. Thank you, ma'am. Archana ji, as usual, you are looking glamorous. Thank you so much. Kapil, I am big, big fan of yours. Thank you. रात को ऐसा टाइम नहीं जाता कि मैं आपका शो देख के बिना मैं सोती हूँ. अभिषेक बच्चन, आई डोंट हैव टू से, बट आई एम जस्ट द बिगेस्ट फैन ऑफ योर्स. थैंक यू, थैंक यू. एंड अगर मुझे पूछा जाए कि कम पढ़े लिखे वालों को ज़्यादा तकलीफ होती है, क्योंकि सोचूं मैं कि अगर मेरी शादी अभिषेक बच्चन से हो जाए तो सॉरी ऐश्वर्या, बट अगर होती तो उनको बहुत तकलीफ होती मुझे सब जगह ले जाने के लिए. क्यों? अरे ये तो ढंग से यहाँ भी नहीं कर रही है, अरे ये ढंग से वहाँ भी कुछ नहीं कर रही है. और अगर भूल से रेस्टोरेंट चले गए
और लास्ट में फिंगर बॉल आ गया और अगर उसको मैंने नींबू पानी सोच के पी लिया तो तब तो घर जाके डिवोर्स पेपर पर साइन करना पक्का है। आपने उनको इतना जज कैसे कर लिया कि ये ऐसे करते हैं, मुझे ये समझ नहीं आया। नहीं, ये जज नहीं किया, मैं उनकी तकलीफ समझ सकती हूँ कि नहीं नहीं मैम, मैं बस यही समझाना चाहता हूँ आपको कि अगर कोई भी आपसे सच्चा प्यार करे ये सब चीज जो है ना नजरअंदाज कर दे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कम पढ़े लिखे वालों को ज्यादा तकलीफ होती है। नहीं, अब मेरी बीवी MBA है, मेरे को बड़ा प्यार करती है। Just Abhishek ji, can I come in the stage and give you a tight hug? Of course, I'll come there. Thank you. That's very sweet. Thank you so much. For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.